500 से ज़्यादा बच्चे इस बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप सिंगिंग कर सकते हैं और आपकी एज 3 से 13 साल के बीच में है तो आपके लिए बिग अपडेट है, यानी कि तारे ज़मीन पर 2022 सिंगिंग शो जो कि स्टार प्लस पर फिर से बैक करने वाला है। पिछली बार की तरह नहीं कि सिर्फ 500 एंट्रीज ही आपको इस शो के अंदर देखने को मिलेंगी, इस बार उससे भी ज़्यादा एंट्रीज आपको इस बार ऑडिशन के लिए दी जाएंगी। जो बच्चे इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फेयरलेसली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको जिस तरह की भी सिंगिंग आती है, जिस भी एवरेज में आप सिंगिंग करते हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंडियन आइडल और सारेगामापा जैसे मोस्ट पॉपुलर शो में टीआरपी की वजह से बेस्ट सिंगर्स जो कि ऑलरेडी फेमस होते हैं उनको लिया जाता है, लेकिन तारे ज़मीन पर एक ऐसा शो है जिसके अंदर एक तो कंपटीशन कम है बच्चों के लिए, ऊपर से किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं की जाती। इसके पीछे का बेसिक रीज़न यही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सिंगिंग में इतना पॉपुलर नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को लिया जाएगा जो अपना टैलेंट पूरे इंडिया के अंदर दिखा सके। देखो गाइस, अगर आपका सपना है सिंगर बनने का, बॉलीवुड में सिंगिंग करने का, तो तारे ज़मीन पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो हमारे चैनल पे आपको हर तरह के सिंगिंग शो के ऑडिशंस की जानकारी मिलती रहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह की जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो आपके लिए बहुत सारे सिंगिंग ऑडिशंस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए जिसमें आप रिकॉर्ड कर सके अपनी वॉइस और सेंड कर सके रजिस्ट्रेशन करते वक्त। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वही आपको सेकंड राउंड तक ले जाएगा, और जब आप सेकंड राउंड भी क्लियर कर लेते हैं तब आपको टेलीविजन स्क्रीन राउंड यानी कि जो थर्ड राउंड होता है वहां पर अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाना होता है। इसीलिए जो फर्स्ट राउंड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट राउंड की वजह से ही आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। फर्स्ट राउंड की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है, जितना हो सके अपनी सिंगिंग करते हुए की वीडियो बनाओ, और जितनी अच्छी आपकी ऑडिशन वीडियो होगी वही आपको सेकंड राउंड तक ले जाएगी। एक बार में तो कभी भी अच्छी वीडियो नहीं बनती, आपको कम से कम 20 या 25 बार वीडियो बनानी होगी। इसमें से आपको उन 20 वीडियो में से देखना होगा कि सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की अपडेट आती है हम आपको बताते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको वो वीडियो डालनी होती है। और जब शो के मेकर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी वीडियो ही देखते हैं, और अगर वीडियो में होगी वो बात तो डेफिनेटली आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि पहला राउंड आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जो पहला राउंड है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब आने वाली है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो स्टेज है वो तैयार होने लग रहा है, और जैसे स्टेज तैयार हो जाता है उसके बाद आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि भाई रजिस्ट्रेशंस ओपन हो रहे हैं। हालांकि अभी जजेस की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपको पता है जयशंकर महादेवन आपको इस बार शो के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, तो एक सुपर जजेस या फिर जो ग्रैंड मास्टर जजेस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। जैसे ही ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई सुपर जजेस के लिए किसको रखा जाएगा, वैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मैं आपको इस बार सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लेट बताया था कि भाई तारे ज़मीन पर के जो ऑडिशन है वो निकल गए हैं, जिसके अंदर 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने एंट्रीज फिल कर दी थी, और जो लोग हमारी वीडियोस देखकर एंट्रीज फिल करने आए थे उनका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं रुक गया था, क्योंकि ऑलरेडी 500 एंट्रीज को फिल कर लिया गया था। बट इस बार थोड़ा वर्क अलग है, क्योंकि 500 से भी ज़्यादा एंट्रीज इस बार जा सकती हैं इस शो के अंदर। दूसरा, हम सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए 5 डेज पहले ही आपको जानकारी पूरी की पूरी दी जाए कि कैसे आप इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो सभी जानकारी हम कोशिश करेंगे आपको सबसे पहले देने की, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये शो आप लोगों के लिए। चलिए जानते हैं कौन लोग इस शो के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिन लोगों की एज 3 से 13 साल के बीच में है वो तो इस शो के अंदर डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जो लोग 3 साल के हैं और जो 13 साल के हैं वो भी इस कॉम्पिटिशन या इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जो लोग 3 साल से छोटे हैं यानी कि जिनकी एज 2 साल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और जो लोग 14 साल के या 14 साल से ऊपर के हैं
वो इस कॉम्पिटिशन या इस ऑडिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए और भी रास्ते हैं, और भी कॉम्पिटिशन, और भी शो हैं, तो उनके लिए मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि वो लोग किस जगह अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और दूसरी बात, जो चिल्ड्रन है वो इंडियन होने चाहिए और उनके पेरेंट्स भी इंडियन होने चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स इंडियन नहीं है तो एटलीस्ट वन पेरेंट्स जरूर इंडियन होना ही चाहिए। बाकी आपको अपनी एक वीडियो बनानी है, इंट्रोडक्शन वीडियो, और इसके अंदर आपको अपनी सिंगिंग भी करके दिखानी है, और आप बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाकर रखिए। और अगर आपको वीडियो कैसे बनानी है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कैसे आप वीडियो बना सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन की जो जानकारी है वो आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। इस बार हो सकता है जयशंकर महादेवन आपको सुपर जजेस के रूप में देखने को ना मिले, बट बाकी टोनी कक्कर और अनीता गांधी आपको ज़रूर इस बार शो में देखने को मिलेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नई सिंगिंग और डांसिंग ऑडिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।